कैसे हो आप सब? आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.3 क्लास 7 की चैप्टर नंबर 2 है। उसकी 2.1 एक्सरसाइज हम पहले वीडियोस में कर चुके हैं, आज हमारी 2.2 एंड 2.3। तो चलिए शुरू करते हैं 2.2 से। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक्सरसाइज 2.2 का, विच ऑफ द ड्रॉइंग ए टू डी शो। ये जो ड्रॉइंग है वो ए से डी तक इस फ्रैक्शन में किससे शो करती है, यानी कि जो ये फ्रैक्शन दिया गया है ये फ्रैक्शन किस ड्रॉइंग के लिए है, या फर्स्ट के ए के लिए है, बी सी डी, यानी इसकी करेक्ट ड्रॉइंग क्या है। तो फर्स्ट फ्रैक्शन क्या है, 2:1/5। तो 5 जो डिनोमिनेटर होता है किसी भी शेप के, जब आप फ्रैक्शन में उसको डिवाइड करोगे शेप को, कोई भी शेप की नो, तो जो डिनोमिनेटर होगा ना हमेशा उस शेप में उतने ही पार्ट्स होंगे। तो जैसे फर्स्ट फ्रैक्शन में क्या है हमारे पास 2:1/5, तो इसका मतलब जो आपकी शेप है ना उसमें 5 पार्ट्स होंगे। देखिए फर्स्ट में कितने हैं, 1, 2, 3 पार्ट्स है, तो ये नहीं है 1, 2, तो 2 पार्ट्स है, ये भी नहीं है 1, 2, 3, 4, तो ये भी नहीं है 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर हमारे 5 पार्ट्स हैं, यानी कि जो ये प्रश्न आपको दिया गया है उसकी पिक्चर कौन सी है, डी हो सकती है। अभी कंफर्म नहीं है, क्यों? क्योंकि इसके आगे क्या था, 2 × 1/5, तो क्या ये 2 पार्ट 2 शेप्स हैं? हाँ ये 2 शेप्स हैं, उनके 5 पार्ट हैं, और जो न्यूमरेटर होता है ना हमेशा उतने पार्ट्स में कलर होगा। तो न्यूमरेटर में कितना है 1, तो देखिए इसमें कितने पार्ट्स में कलर है, सिर्फ 1 पार्ट में ही कलर है ना, और यहाँ पर भी सिर्फ 1 पार्ट में ही कलर है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये क्या है 2:1/5। ठीक है, अब सेकंड में क्या है, 2×1/2, यानी कि एक ऐसी शेप इसके कितने पार्ट्स हो, 2 इसके हैं 1, 2, 1, 2, यानी कि बी शेप इसके पार्ट्स कितने हैं, 2 पार्ट्स है, और 1/2, यानी कि 1 में कलर है ना। हाँ दिख रहा है हमारे पास कि क्या जो 1 पार्ट है सिर्फ वही कलर है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, 2×1/2, ये इसका करेक्ट हुआ। नेक्स्ट 3×2/3, यानी कि ऐसी शेप जिसमें कितने पार्ट्स हो, 3 किसमें, फर्स्ट ए वाले में, यहाँ पर आगे देखें तो 1, 2, 3 शेप्स के 3 पार्ट है। ठीक है, उसके बाद कितना है 2×1, न्यूमरेटर 2 है, तो क्या उस शेप के 2 पार्ट्स में कलर है, देखिए 1, 2 2 पार्ट्स में कलर है और 3, तो 1, 2, 3 3 शेप्स है, इसका करेक्ट क्या होगा, 3×2/3 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट 3×1/4, यानी कि एक ऐसी शेप जिसमें 4 पार्ट्स हो, किसमें है 1, 2, 3, 4 इसमें हमारे पास 4 पार्ट्स है। इसके बाद न्यूमरेटर कितना, न्यूमरेटर 1, तो क्या सिर्फ 1 पार्ट में ही कलर है, यस सिर्फ 1 पार्ट में ही कलर है, और मल्टीप्लाई कितना है 3, तो क्या ये शेप 3 है, 1, 2, 3 ये शेप 3 है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 3×1/4। तो ये है हमारे फ्रैक्शन जिन्हें हमने पिक्चर से ढूंढा है कि उनकी करेक्ट पिक्चर्स क्या है, अगर हम फ्रैक्शन को पिक्चर में शो करें तो वो कैसे शो होंगे ये। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आया, सम पिक्चर्स ए टू सी आर गिवन बिलो, टेल व्हिच ऑफ देम शो सेम। नेक्स्ट वही है कि ए बी सी, यहां पर आपको 3 पिक्चर्स दी गई है और ऊपर आपको फ्रैक्शन दिया गया है, तो इनमें से बताना कि कौन सा फ्रैक्शन इस पिक्चर का है। फर्स्ट में क्या दिया गया है, 3×1/5 = 3/5, इन्होंने यहां पर इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करके लिखा है, जैसे हमने मल्टीप्लाई करना सीखा था 2×1/3। ठीक है, तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब 1 आया तो 1 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 2×1=2 और 3×1=3, तो ये आंसर होगा 2/3। ठीक है, तो इन्होंने ऐसे ही इसे मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है।
ओके तो फर्स्ट क्या है ऐसे शेप्स इसके फाइव पार्ट होते हैं। देखिए फाइव पार्ट इसके हैं 1 2 3 इसके तो नहीं है 1 2 3 4 इसमें भी नहीं है तो फोर पार्ट्स हैं 1 2 3 4 5 सी वाले में कितने पार्ट्स हैं 5 ओके उसके बाद क्या दे रहे हैं न्यूमरेटर देखें कितना न्यूमरेटर न्यूमरेटर हमारा 1 यानी कि सिर्फ 1 में कलर होगा क्या इसमें सिर्फ 1 में कलर है हां यहां पे भी एक शेप में कलर है तो एक पार्ट में यहां पे एक पार्ट में यहां पर भी एक पार्ट में और इनको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया 3/5 यानी कि शेप के 5 पार्ट्स होंगे उसमें से 3 में कलर होगा तो 1 2 3 4 5 5 पार्ट्स है यस कलर किसमें 1 2 3 तो 3 में कलर के तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये इसकी करेक्ट पिक्चर है 3 × 1/5 = 3/5 ठीक है नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है 2 × 1/3 = 2/3 तो ऐसी शेप मिलनी है जिसमें 3 पार्ट्स हो इसमें है 1 2 3 इसमें 3 पार्ट्स है यस ठीक है उसके बाद हमने क्या बोला है न्यूमरेटर में कितना है 1 यानी कि इसको 1 पार्ट में करो तो इसके सिर्फ 1 पार्ट में ही कर रहे ठीक है और कितने पिक्चर हो 2 ये 2 पिक्चर हो गए हमारे पास तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ 2/3 यहां पर इसको मल्टीप्लाई करके दो देखो 1 2 3 3 पिक्चर्स है उसमें सिर्फ 1 2 2 में कलर है इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ 2 × 1/3 = 2/3 ठीक है नेक्स्ट थर्ड में क्या दिया गया आपको 3 × 3/4 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया गया कितना 3/4 = 2 1/4 अब 2 1/4 क्या आ गया मिक्स फ्रैक्शन आ गया अगर इस मिक्स फ्रैक्शन को हम इंप्रॉपर में चेंज करें तो क्या होगा 4 2 8 और प्लस 1 9 यानी कि 9/4 ठीक है तो पहले अपन पिक्चर ढूंढिए किस पिक्चर के 4 पार्ट्स हैं 1 2 3 4 इसके 4 पार्ट्स हैं तो इसका मतलब हमारा ये होगा उसके बाद सिर्फ 3 पार्ट्स में क्या होना चाहिए कलर देखो 1 2 3 3 पार्ट्स में कलर भी है इसका मतलब ये हुआ और साइज भी क्या है मल्टीप्लाई हुआ 9/4 अगर यहां पे चेक करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हां 9 में कलर के इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 3 × 3/4 = 9/4 और इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करें तो 2 1/4 होगा तो ये जो फ्रैक्शंस थे हमने इसको इसकी पिक्चर के अकॉर्डिंग मिला दिया है ठीक है तो करेक्ट पिक्चर से हमने ढूंढ लिया है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन यानी कि जो फ्रैक्शन आपको दिया गया है उसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना है उसके बाद उसकी फॉर्म को रिड्यूस भी करना है और फिर भी अगर है उसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज भी करना है चलिए एक एक शुरू करते हैं फर्स्ट है हमारे पास 7 × 3/5 कैसे मल्टीप्लाई करते हैं फ्रैक्शन न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से इसमें जो कुछ भी है तो हम 1 लगाएंगे तो 7 × 3 = 21 और 1 × 5 = 5 21 और 5 क्या इसी टेबल में आ रहे हैं नहीं ना तो अब हम इसे क्या सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में और मिक्स फ्रैक्शन में कैसे होता है न्यूमरेटर को डिवाइड करें किससे डिनोमिनेटर को यानी कि 21 को हम 5 से डिवाइड करेंगे 5 × 4 = 20 1 क्या बचा हमारे पास रिमाइंडर तो अब इसका जो मिक्स फ्रैक्शन होगा वो कैसे होगा जो हमारा कोशेंट होता है क्या होता है कोशेंट वो हमारी बोर्ड वैल्यू होती है उसके बाद जो हमारा रिमाइंडर होता है वो हमारा न्यूमरेटर होता है और जो डिवाइजर होता है वो हमारा डिनोमिनेटर होता है ये हमारा डिवाइजर है ठीक है तो हम इन्हें इस तरीके से लिखेंगे ताकि हमारी फॉर्म में आ जाए क्वेश्चन कितना हमारे पास 4 रिमाइंडर 1 और डिवाइजर 5 तो 21 / 5 का मिक्स फ्रैक्शन क्या हुआ
4:1/5, ठीक है। सेकंड करते हैं इसमें, क्या सेकंड हमारा 4 × 1/3, आगे इसमें जब 1 लगाएंगे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 4 × 1 = 4 और 1 × 3 = 3, तो 4/3 होगा। इसे मिक्स में चेंज करना है तो 3 से डिवाइड करेंगे 4 को, 3 × 1 = 3, 4 × 3 = 1, तो क्वेश्चन कितना हमारा 1, रिमाइंडर 1 और डिवाइजर 3, तो ये इसका मिक्स फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट क्या है, 2 × 6/7, इसकी जब 1 लगाएंगे फिर से न्यूमेरेटर को मल्टीप्लाई करें, 2 × 6 = 12 और 1 × 7 = 7, तो 12 × 7 हमारा आंसर होगा, बट इसे किसे चेंज करना है हमें मिक्स में, तो डिवाइड करेंगे हम 12 को 7 से, 7 × 7 = 7, 12 × 7 = 5, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या होगा हमारा, होल वैल्यू यानी कि 1, उसके बाद हमारा रिमाइंडर यानी कि 5, उसके बाद हमारा डिवाइजर यानी कि 7, तो ये होगा इसका मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ पार्ट करेंगे इसका, क्या है फोर्थ पार्ट, 5 × 2/9, 1 तो 5 × 2 = 10 और 1 × 9 = 9, फिर से डिवाइड करेंगे इसे हम 9 से 10 को, तो 9 × 9 = 9, 10 में समझ गए, सॉरी 9 गए 1, ठीक है, तो 1 × 1/9। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट क्या है, फिफ्थ पार्ट में इसका 2/3 × 4, इसके जब फिर से 1 लगाएंगे न्यूमेरेटर की मल्टीप्लाई करें, 2 × 4 = 8 और 3 × 1 = 3, इसे फिर से डिवाइड कीजिए, 8 को डिवाइड करें 3 से, 3 × 1 = 3, 2 × 6 = 6, 8 × 6 = 2, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या, हमारी होल वैल्यू, रिमाइंडर हमारा न्यूमेरेटर और डिवाइजर हमारा डिनोमिनेटर, ठीक है। नेक्स्ट सिक्स पार्ट, सिक्स पार्ट में क्या है इसके, 5/2 × 6, तो इसके जब 1 लगाएंगे, अब यहां पर आपको एक चीज ध्यान देनी पड़ेगी, क्या इन्होंने बोला कि रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म, कि लोवेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है, तो यहां पर 5 और 2 तो किसी से नहीं कट रहे, बट क्रॉस में अगर चेक करेंगे 2 और 6 ये दोनों किसी सेम टेबल में आते हैं, किसके टेबल में, 2, तो हम इन्हें कट करेंगे, रिड्यूस करेंगे, 2 × 2 = 2, 2 × 3 = 6, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम, कितना हुआ, 5 × 3 = 15 और 1 × 1 = 1, यानी कि 15 इसका आंसर हुआ, ठीक है। इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इससे पहले जितनी 5 प्रॉब्लम्स थी उसमें कोई भी किसी से नहीं कर रहा, यानी कि वो जो फॉर्म है क्वेश्चन की वो रिड्यूस नहीं होती, बट 6 पार्ट में ये क्वेश्चन रिड्यूस हो रहा है, क्यों, 2 और 6 दोनों सेम टेबल में आ रहे हैं, उन्हें हम रिड्यूस करके यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद सेवन पार्ट क्या है, सेवन पार्ट 11 × 4/7, ठीक है। इसके जब 1 लगाएंगे यहाँ पर ये रिड्यूस नहीं हो रहे तो हम इन्हें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, 11 × 4 = 44 और 1 × 7 = 7, ठीक है। अब 44 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा, 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, 4 × 2 = 2, 0, तो कोफिशिएंट हमारा होल वैल्यू यानी कि 6, रिमाइंडर हमारा न्यूमरेटर 2 और डिवाइजर हमारा डिनोमिनेटर,
तो ये 6:2/7 का क्या होगा, मिक्स फ्रैक्शन होगा। नेक्स्ट एट पार्ट, क्या है एट पार्ट, 20 × 4/5 से जो बन लगाएंगे। अब यहां पर फिर से आप चेक कीजिए 20 और 5 यानी क्रॉस में क्या हो रहा है, किस सेम टेबल में आ रहे हैं, किसके 5 के, तो 5 × 5 = 20। ठीक है, अब आपके न्यूमरेटर में कितना बचा है, 4 × 4 = 16 और डिनोमिनेटर में 1, तो आंसर कितना होगा हमारा 16। ठीक है, नेक्स्ट नाइन्थ पार्ट क्या है, 13 × 1/3 अगेन 1, ये नहीं रिड्यूस हो रहे तो इतने सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं, 13 × 1 = 13 और 1 × 3 = 3 इसे मिक्स में चेंज कर रहे हैं आप, तो 13 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 × 4 = 12 1 अंतर क्या होगा इसका, क्वेश्चन यानी कि 4 1 हमारा रिमाइंडर और 3, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 10th part में क्या हमारा, 15 × 3/5 अगेन यहां पर ये रिड्यूस हो रहे हैं, कैसे 3 और 15, क्या मैं ये रिड्यूस करूं यानी किसी सेम टेबल में आ रहे हैं, 3 × 3 और 3 × 5 = 15, तो क्या मैं इन्हें कट करूं, नहीं, क्योंकि ये दोनों क्या है, न्यूमरेटर्स है, तो न्यूमरेटर्स न्यूमरेटर्स एक दूसरे से कट नहीं होते, अपोजिट में कर सकते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होंगे, हम चाहे इसके साथ या क्रॉस में भी कर सकते हैं, बट हमें कभी भी न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर से कट नहीं करना है। तो यहाँ पर हो रहे हैं 5 × 5 = 15 ठीक है, तो ऊपर कितना बचा हमारे पास, 3 × 3 = 9 और 1 × 1 यानी कि आंसर हमारा 9 हुआ। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। फोर्थ पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, शेड, शेड यानी कि कलर करना आपको। फर्स्ट क्या कलर है, 1 of 2 ऑफ द सर्कल इन बॉक्स ए, कि ये जो आपका ए शेप है ना बॉक्स, इसके अंदर जो शेप दिए हैं ना, उस शेप का आपको 1/2 पार्ट सर्कल सॉरी कलर करना है, शेड करना है। अब 1/2 क्या, हम शेप्स को हाफ करके और फिर हाफ पार्ट को कलर कर दे, नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, ओ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो अगर फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं तो 1/2 मल्टीप्लाई किसका, सर्कल इन बॉक्स ए, तो कितने सर्कल है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यानी किस शेप ए में टोटल 12 सर्कल है, तो हमसे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 × 2, 2 × 6 = 12 तो कितना आंसर है, 6 यानी कि 12 में से सिर्फ 6 सर्कल को हम क्या करेंगे, कलर करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 पार्ट जो मैंने शेप इनकी कलर कर दिए। नेक्स्ट सेकंड में क्या बोला गया है, 2/3 ऑफ द सर्कल इन बॉक्स बी, कि जो बी में सर्कल बल्कि यहां पर क्या है, ट्रायंगल है, लेकिन जो भी शेप आपको उसका 2/3 पार्ट कलर करना है, तो 2/3 कितना होगा, 2/3 ऑफ की जगह क्या, मल्टीप्लाई कितने इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टोटल यहां पर 9 ट्रायंगल है, हम यहां पर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3, 3 × 3 = 9 और 2 × 3 = 6 यानी कि 9 में से सिर्फ 6 सर्कल्स को क्या करना है, शेप यानी कि कलर, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमने ये 6 पर क्या कर दिया, कलर कर दिया। नेक्स्ट थर्ड क्या है, 3/5 ऑफ सर्कल इन बॉक्स सी, इस बॉक्स सी में सर्कल दे रहे हैं, क्या यहाँ पर स्क्वायर शेप दी गई है, उनका सिर्फ 3/5 पार्ट ही आपको कलर करना है, तो 3/5 पार्ट बना लेंगे, 3/5 मल्टीप्लाई कितने से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
3 3 9, यानी कि 15 में से सिर्फ 9 पर ही क्या होगा शेड, यानी कि कलर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये थे आपकी जो शेड्स दी गई थी, जो पिक्चर दी गई थी, उन्हें हमने फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग कलर कर दिया है, यानी कि कितना पार्ट उन्होंने बोला है उस पार्ट में शेड कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 5 पर। क्या है क्वेश्चन में 5? फाइंड, फाइंड मतलब ढूंढना है, क्या ढूंढना है? अब यानी कि फर्स्ट पार्ट देखिए, 1/2 ऑफ 24 एंड 46, यानी कि हमें पहले तो 1/2 पार्ट निकालना है किसका, 24 का, उसके बाद 1/2 पार्ट निकालना है 46 का, और ऑफ का मतलब पीछे बता रहे हैं आपको क्या, मल्टीप्लाई। चलिए शुरू करते हैं, फर्स्ट में क्या आएगा हमें, ए का फर्स्ट पार्ट क्या है, 1/2 ऑफ की जगह क्या आएगा, चलो पहले ऑफ ही लिखते हैं, ऑफ 24, ठीक है, तो 1/2 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 24 एज इज, 2 से कट करेंगे, 2 1 2 2 1 2 2 2 4, तो कितना आंसर आया, 12 का आंसर हुआ, ठीक है। अब इस ए का ही सेकंड पार्ट भी तो है, तो इस ए का सेकंड पार्ट क्या होगा, क्या है, 1/2 ऑफ 46, यानी कि 46 का 1/2 पार्ट, तो 1/2 मल्टीप्लाई 46, 2 से कट करेंगे, 2 1 2 2 2 4 2 3 6, कितना आंसर आया हमारा, 23, यानी कि हमने दोनों को कर लिया, ए पार्ट में फर्स्ट को भी और ए पार्ट का सेकंड को भी। सेम अब करते हैं बी पार्ट, बी पार्ट में आपको दोनों कर ले, पहले फर्स्ट का 2/3 ऑफ 18 और फिर 2/3 ऑफ 27, तो पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, 2/3 ऑफ 18, कि 18 का 2/3 पार्ट क्या होगा, 2/3 मल्टीप्लाई 18, ठीक है, तो 2 से तो कट रहे हैं, बट 3 और 18 जो है क्रॉस में कट रहे हैं, 3 1 3 3 6 18, तो 2 6 12, 12 का आंसर होगा। सेकंड पार्ट क्या है, 2/3 ऑफ 27, तो 2/3 ऑफ की जगह क्या आएगा, मल्टीप्लाई ऑफ 27, तो 3 1 3 3 9 27, अब इन्हें मल्टीप्लाई करना है, 2 9 18, 18 हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है, दो पार्ट हमारे हो गए। नेक्स्ट सी पार्ट, सी पार्ट में क्या है, फर्स्ट करेंगे 3/4 ऑफ 16, कि 16 का 3/4, तो 3/4 मल्टीप्लाई 16, 4 1 4 4 4 16, तो 3/4 की मल्टीप्लाई 3 4 12 आंसर होगा, ठीक है। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या होता है, अगेन 3/4 ऑफ 36, तो 3/4 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 36, 4 36 कट रहे हैं, तो 4 1 4 4 9 36, तो 3 9 27 क्या होगा, इसका आंसर होगा। डी पार्ट, डी पार्ट में फिर से फर्स्ट करेंगे हम, क्या है फर्स्ट, 4/5 ऑफ 20, तो 4/5 ऑफ की जगह क्या आएगा, मल्टीप्लाई 20, तो 5 5 5 5 4 20, तो 4 4 16 इसका आंसर होगा, ठीक है। सेकंड पार्ट, सेकंड में क्या है, 4/5 ऑफ 35, तो 4/5 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 35, 5 का 35 को कट करेंगे, तो 5 5 5 5 7 35, तो 4 7 28 क्या होगा, इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये थे बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें अब तो 2 पार्ट हुए, तो दोनों पार्ट को सॉल्व किया है, पहले फर्स्ट पार्ट और फिर हमारा सेकंड पार्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पर
जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई हमने किए थे ना पहले, बट मिक्स फ्रैक्शन में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले हम मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, हम डायरेक्ट इस साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो पहले से चेंज करते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई क्या होगा, ये से मल्टीप्लाई होगा और फिर ये हमारा प्लस होगा, तो 5 5 जा 25 और प्लस 1 26। तो इसके चेक करवाएंगे, 1 3 और 5 नहीं कट रहे, 26 5 भी नहीं कट रहे, अब ये न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो 3 का मल्टीप्लाई 26 से, तो 3 6 जा 18, 8 1 का 8, 3 2 जा 6 और 1 7, और ये हमारा 5 जा 5, तो 78/5 आंसर होगा, बट आंसर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि इन्होंने बोला है कि मिक्स फ्रैक्शन में भी करना है, अगर हमने यहां तो छोड़ा तो हमारा हाफ ही रहेगा, कंप्लीट नहीं होगा, तो हमें 78 को पहले डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 5 से, 5 बन जा 5, 7 5 है 2, फिर हमारे पास 8, तो 5 5 जा 25, 8 में 5 है 3, तो कैसे लिखेंगे हम क्वेश्चन, यानी कि 15, फिर हमारा न्यूमरेटर क्या है रिमाइंडर 3 और डिनोमिनेटर हमारा डिवाइजर यानी कि 5, तो 15:3/5 हमारा क्या होगा आंसर होगा किसमें, मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है। इसका बी पार्ट क्या है, बी पार्ट में 5 × 6:3/4, ठीक है, तो फिर से हमें पहले मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करना पड़ेगा, तो 5 हमारा एज इट इज मल्टीप्लाई 4 6 24 में 3 ऐड करेंगे कितना होगा 27, 4 हमारा एज इट इज, इसके जब 1 फिर से हमें कट नहीं रहा है तो हमें इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, तो 5 7 35, 3 5 टू द 10 और 13, 4 वन जा 4, ठीक है। उसके बाद आंसर खत्म या नहीं, नहीं इसे अभी चेंज करना है मिक्स फ्रैक्शन में, अब हम इसे करेंगे डिवाइड, डिवाइड करेंगे सॉरी 4 से नहीं 5 से, सॉरी 5 से नहीं 4 से, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर क्या है 4 है, तो 4 3 जा 12, 3 में 2 गया 1, 5 आया हमारे पास 4 3 जा 12, 5 में 2 गया 3, जो आंसर होगा वो क्या होगा 33:3/4 हमारा मिक्स फ्रैक्शन में आंसर होगा, ठीक है। चलिए आप करते हैं सी पार्ट, सी पार्ट में क्या हमारा 7 × 2:1/4, ठीक है, तो 7 हमारा एज इट इज मल्टीप्लाई से चेंज करेंगे, तो 4 टू जा 8 और प्लस 1 तो 9/4, इसके जब 1 लगाएंगे हम 7 9 जा 63 और 1 4 जा 4, इसे फिर से चेंज करना है मिक्स फ्रैक्शन में, तो डिवाइड करेंगे हम 63 को 4 से, 4 बन जा 4, 2 4 5 जा 23, तो आंसर क्या होगा 15:3/4 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट डी, क्या है डी में 4 × 6:1/3, इसे चेंज करेंगे 4 हमारा एज इट इज मल्टीप्लाई 3 6 18 और प्लस 1 19, तो 19/3, तो जब 1 लगाएंगे तो 4 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 9 जा 36, 3 क्या है 4 4 7 76/3, अब इसे किसमें चेंज करना है, इसे फिर से मिक्स में करना है, तो 76 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 2 जा 6 1 3 5 जा 15 1, ठीक है, तो आंसर कितना हुआ
25 1 by 3 हमारा आंसर होगा. नेक्स्ट पार्ट क्या है, ई 3 इज टू 1 बाय 4 मल्टीप्लाई 6. अब की बात क्या है, अब आपको पहले भी इंस्ट्रक्शन दिया उसके बाद आपको और वैल्यू दी गई है, तो कभी नहीं जैसे हमने चेंज करते वैसे ही चेंज करेंगे. तो 4 3 जा 12 और 1 13, तो 13 बाय 4 मल्टीप्लाई 6 तो 1. अब यहाँ पर ध्यान देना 4 और 6 दोनों किसी सेम के वजह से रिड्यूस हो रहे हैं, किससे 2 से, तो रिड्यूस करेंगे 2 जा 4 2 3 जा 6 तो उपरांत कितना बन 13 3 जा 39 और 2 1 जा 2. ठीक है, इसे चेंज करना है किससे, तो 39 को डिवाइड करेंगे हम 2 से, 2 1 जा 2, 1 डिवाइडर 9, 2 9 जा 18, 9 में से 8 है 1. तो आंसर क्या है हमारा 19 इज टू 1 बाय 2 हमारा आंसर होगा. चलिए नेक्स्ट क्या हमारा, नेक्स्ट है क्वेश्चन इसका एफ पार्ट क्या है, 3 इज टू 2 बाय 5 मल्टीप्लाई 8. यहाँ पर फिर से आपको क्या है, फर्स्ट फ्रैक्शन आपका मिक्स है तो चेंज करना है, 5 3 जा 15 और 2 17, तो 17 बाय 5 मल्टीप्लाई 8, इसके जब 1 लगाएंगे तो 17 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 7 56, 5 8 जा 8 बाय 13, 5 1 जा 5, 8 7 56, 5 के लिए 8 8 5. ठीक है, अब इसे फिर से मिक्स में चेंज करना है तो 136 को डिवाइड करेंगे किससे, 5 से, तो 5 2 जा 10, 3 हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, 6 आएगा भी तो 5 7 जा 35, 6 में 5 है 1, अंतर क्या होगा 27 इज टू 1 बाय 5 हमारा आंसर होगा. तो ये जो आपके फ्रैक्शन से मिक्स और होल वैल्यूज इनसे हमने मल्टीप्लाई करके आंसर को मिक्स फ्रैक्शन में भी निकाल लिया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 7. तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, 5, यानी कि हमें फिर से कुछ फाइंड आउट करना है. क्या 1 बाय 2 ऑफ 2 इज टू 3 बाय 4, जैसे कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में क्या था कि यहाँ पर आपको इसके फिर से 2 पार्ट करने हैं, यानी कि पहले हम फर्स्ट पार्ट करेंगे 1 बाय 2 पार्ट करेंगे किसका, 2 इज टू 3 बाय 4 का, उसके बाद 1 बाय 2 पार्ट करेंगे 4 इज टू 2 बाय 9 का, तो दोनों को अलग अलग करना है. और ऑफ का मतलब आप पहले भी समझ चुके हो क्या, मल्टीप्लाई. तो हम पहले डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को लिखते हैं. फर्स्ट पार्ट क्या है, 1 बाय 2 ऑफ 2 इज टू 3 बाय 4. ठीक है, अब 1 बाय 2 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 2 इज टू 3 बाय 4, क्या है ये मिक्स फ्रैक्शन है ना, तो इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 4 2 जा 8 और 3 11, तो 11 बाय 4 हमारा आंसर होगा. ठीक है, क्या ये रिड्यूस हो रहे हैं, नहीं, 2 और 4 दोनों नीचे हैं, ये डिनोमिनेटर है तो इन्हें कट मत करना, उसका मतलब ये रिड्यूस नहीं हो रहे, तो सिंपली मल्टीप्लाई करके हम इसका आंसर निकाल लेंगे. तो 1 को 11 से, तो 1 11 से 11 और 2 4 जा 8, 11 बाय 8 हमारा क्या होगा आंसर. यहाँ पे इन्होंने कुछ नहीं बोला कि आपको मिक्स में चेंज करना है, तो अगर आप चाहो तो अपना आंसर ये भी छोड़ सकते हो, और अगर आप चाहो तो इसे मिक्स में भी चेंज कर सकते हो, क्योंकि ये एक इम्प्रॉपर है, डिनोमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर में, तब आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हो. कैसे, 11 को डिवाइड करेंगे 8 से, 8 बन जा 8, 11 से 8 है 3, तो 1 इज टू 3 बाय 8 हमारा क्या होगा मिक्स फ्रैक्शन में आंसर होगा. अगर उन्होंने नहीं बोला है तो हमसे यहाँ भी छोड़ सकते हैं और आप मिक्स में भी चेंज कर सकते हैं. ठीक है, इसी का सेकेंड पार्ट, तो हम फिर से लेंगे 1 बाय 2 ओ, तो 1 बाय 2 ओ इसका 4 इज टू 2 बाय 9. ठीक है, तो ऑफ की जगह क्या आएगा मल्टीप्लाई, और 4 इज टू 2 बाय 9 इज 10,
कौन सा 36 और 2 38 by 9। अब यहाँ पर 2 और 38 कट रहे ना, क्योंकि 2 और 38 क्या है, इवन नंबर्स है, तो सारे इवन नंबर्स 2 से डिवाइड होते हैं, तो कटता रहेंगे 2 1 2 2 1 2 और 2 9 18, आंसर कितना आया 19 by 9। इसे मिक्स में चेंज करें, तो मिक्स में चेंज करें 9 को डिवाइड करना है, 19 को डिवाइड करेंगे 9 से, तो 9 9 9 18, 9 8 1 0, तो 2:1/9 हमारा आंसर होगा किसमें, मिक्स में, और ये हमारा नॉर्मल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, क्या है क्वेश्चन नंबर 8, आपको वर्ड प्रॉब्लम है, तो ध्यान से पहले क्वेश्चन को समझना, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर पिकनिक, विद्या और प्रताप दो बच्चे हैं, वो कहाँ गए, पिकनिक के लिए गए हैं। देयर मदर गेव देम अ वाटर बॉटल दैट कंटेन 5 लीटर ऑफ वाटर, उसकी मम्मी ने उन्हें एक बॉटल दी पानी की, और उस बॉटल के अंदर कितना पानी आता है, 5 लीटर पानी उस बॉटल के अंदर आता है। विद्या कंज्यूम 2/5 ऑफ द वाटर, विद्या ने उस पानी में से, तो 5 लीटर पानी था उसमें से 2/5 पार्ट जो पानी है वो पी लिया, कितना लीटर पिया वो मैंने बता सकता हूँ, पार्ट पिया कितना, कि उसने सिर्फ 2/5 जो है पार्ट पिया है पानी का, ठीक है। प्रताप कंज्यूम द रिमेनिंग पार्ट, तो जो पानी बच गया वो सारा किसने पिया है, प्रताप ने पिया है, कितना पिया है हमें नहीं पता। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक, तो बताइए विद्या ने कितना पानी पिया है, ये तो सिर्फ उसका पार्ट है, उसका शेयर है, कितना हिस्सा उसने पानी पिया है, ये लीटर थोड़ा है, उन्होंने ये थोड़ा बोला 2.5 लीटर नहीं, तो हमें उसका पता लगाना है उसने कितना पानी पिया है। सेकंड, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक, और उसके बाद जैसे फ्रैक्शन में ये था, तो इन्होंने प्रताप का पूछा कि प्रताप ने फ्रैक्शन में अगर वहां पे, तो उसने कितना पानी पिया है फ्रैक्शन में, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया क्या, कि दो बच्चे हैं विद्या प्रताप, दोनों पिकनिक के लिए गए हैं, उनकी मम्मी ने उन्हें 5 लीटर पानी दिया, उसमें से सिर्फ 2/5 पार्ट विद्या ने पिया और बाकी सारा किसने पिया, प्रताप ने। तो हमें निकालना है पहला कि विद्या ने कितना पानी पिया, कितने लीटर पानी पिया, दूसरा कि किस फ्रैक्शन में प्रताप ने पिया, प्रताप का लीटर नहीं, प्रताप का फ्रैक्शन, कि प्रताप ने किस फ्रैक्शन में पानी पिया, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को, पहले हम लिखते हैं गिवन वैल्यूज, गिवन क्या क्या है हमें, टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर, कितनी है टोटल क्वांटिटी वाटर की जो उसकी मदर ने दिया था, 5 लीटर, ठीक है। विद्या का शेयर कितना है, 2/5 पार्ट ऑफ विद्या, यानी कि विद्या का कितना पार्ट है जो उसने कंज्यूम किया है, जो उसने किया है, प्रताप का, ये हमारा सेकंड पार्ट में पूछा गया था, हमने पहले
पहले सॉल्व कर दिया है कि प्रताप ने कितना पानी का कितना पार्ट पिया था। तो यहाँ पर हमारे उसका पार्ट आया कितना, 2/3 पार्ट उसने पिया था। ठीक है, फिर उन्होंने क्या पूछा है, हाउ मच वॉटर डिड विद्या ड्रिंक, कि विद्या ने कितना पानी पिया है। तो शी ड्रिंक वॉटर इक्वल टू कितना पार्ट है उसका, 2/5। तो 2/5 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, टोटल कितना हमारे पास 5 लीटर था ना पानी, तो हम इसे 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो कट हो रहा है 5 × 5 × 5, तो 2 × 2, यानी कि विद्या ने जो है ना 2 लीटर पानी पिया है। 5 लीटर में से सिर्फ 2 लीटर पानी किसने पिया है, विद्या ने। तो प्रताप ने कितना पिया है, प्रताप ड्रिंक वॉटर कितना पानी पिया है, जो बच के सारा प्रताप ने तो पिया है ना, उसकी मदर ने तो कुछ भी नहीं पिया है, कुछ विद्या ने, कुछ प्रताप ने। तो विद्या ने तो 2 लीटर पिया है, तो बाकी कितना हुआ, 5 − 2, यानी कि 3 लीटर पानी किसने पिया है, प्रताप ने पिया है। सेकंड पार्ट, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ वॉटर डिड प्रताप ने, कि प्रताप ने जो टोटल क्वांटिटी है उसका कितना फ्रैक्शन पिया है। तो फ्रैक्शन फ्रैक्शन शेयर ऑफ प्रताप, प्रताप का फ्रैक्शन शेयर कितना है, उसने किया है कितना 3 लीटर, कितने में से टोटल हमारा था 5 लीटर, तो 5 में से उसने सिर्फ 3 पार्ट किए हैं, तो फ्रैक्शन क्या होगा उसका, 3/5, हमने पहले भी निकाला था। तो ये हमारे फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट हो गए, क्या कि विद्या ने कितना पानी पिया है और प्रताप ने कितना पानी पिया है, अगर फ्रैक्शन में पूछे तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अब आपकी एक्सरसाइज 2.3, यानी कि 2.2 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम शुरू करना चाह रहे हैं एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, तो इसलिए मैंने मार्क किया है कि आप ये मत सोचना कि 2.2 है, अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट हो चुकी है 2.3। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड करना है फिर से आपको, कैसे, 1/4 ऑफ 1/4 ए, ठीक है, दूसरा 1/4 ऑफ 3/5, एक दो बार हमने इसे सिर्फ दो बार दिया, पर यहाँ पर इन्होंने 3 बार दिए है, यानी कि 1/4 ऑफ इसका थर्ड का भी, 4/5 का भी। ठीक है, चलिए तीनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ए पार्ट क्या है, ए पार्ट में 1/4 ऑफ 1/4, ठीक है, तो ऑफ का क्या होता है बताइए, मल्टीप्लाई 1/4, तो 1 × 1 और 4 × 4 = 16। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट वाला कितना है, 1/4 ऑफ 1/4 कितना होता है हमारा, 1/16। अब इसका बी वाले से देखते हैं, तो बी में क्या हुआ, 1/4 ऑफ इसका 3/5, तो 1/4 मल्टीप्लाई 3/5, ये रिड्यूस हो रहे हैं नहीं, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो 1 × 3 = 3 और 4 × 5 = 20। तो ये हो गया 1/4 ऑफ 3/5 कितना हुआ, 3/20। ठीक है, सी पार्ट क्या है, 1/4 ऑफ 4/3, तो 1/4 ऑफ 4/3, तो 1/4 उसकी जगह मल्टीप्लाई 4/3, ये रिड्यूस हो रहे हैं, यस, तो 4 × 4 = 4, तो 1 × 1 / 1 × 3 = 3, तो 1/3, यानी कि हमने तीनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करके इनके आंसर को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब है द सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या है, फिर से वही 1/7 ऑफ 2/9 8, 1/7 ऑफ 16
6/5 दो और 1/3/10 तीन, यानी कि तीनों को अलग अलग करना है। तो पहले फर्स्ट लेते हैं ए पार्ट, क्या है 1/7 और 2/9, ठीक है। तो 1/7 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 2/9, रिड्यूस हो रहे नहीं, तो 1 2 2 और 7 9 3 3, ठीक है। अब बी पार्ट करें इसका, बी क्या है 1/7 ऑफ 6/5, तो 1/7 ऑफ 6/5, तो 1/7 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 6/5, 1 6 6 7 5 35, ठीक है। नेक्स्ट सी क्या है 1/7 ऑफ 3/10, तो 1/7 ऑफ की जगह क्या आएगा मल्टीप्लाई और 3/10, रिड्यूस नहीं हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर को न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को, तो 1 3 3 और 7 10 7, ठीक है। ये हो गया हमारा सिर्फ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हमने पहले तीनों को फर्स्ट प्रश्न को तीनों से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पर भी फर्स्ट प्रश्न को हमने तीनों से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म इफ पॉसिबल, अगर हो सके ना तभी आपको लोवेस्ट फॉर्म में करना है, अगर नहीं हो सकता तो नहीं करना है, और आपको फिर मल्टीप्लाई भी करना है। तो फर्स्ट क्या है इसका 2/3 मल्टीप्लाई 2:2/3, तो सेकंड आपके फ्रैक्शन हम कैसे फ्रैक्शन है मिक्स फ्रैक्शन है, उसे चेंज करेंगे तो 2/3 मल्टीप्लाई 3 2 6 और प्लस 2 8 8/3, क्या ये रिड्यूस हो रहे हैं 2 ऑफ 8, नहीं, क्योंकि न्यूमरेटर न्यूमरेटर्स नहीं होंगे, 3 और 3 डिनोमिनेटर्स डिनोमिनेटर्स नहीं होंगे, अगर हम क्रॉस चेक करें तो भी ये हमारा आंसर क्या होगा 2 8 16 3 3 9, तो 16/9 हमारा आंसर होगा, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या है 2/7 मल्टीप्लाई 7/9, ये रिड्यूस हो रहे हैं, यस 7 7 7 7, आंसर कितना आया 2 मल्टीप्लाई 2 1 2 और 1 9 9, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या है इसका 3/8 मल्टीप्लाई 6/4, ठीक है, क्या ये रिड्यूस हो रहे हैं, यस 8 और 6 जो है दोनों 2 के टेबल में आ रहे हैं, या फिर हम ये भी तो आ रहे हैं 6 और 4 भी दोनों सेम है तो 2 के टेबल में आ रहे हैं, तो 2 3 6 2 2 4, ठीक है। अब 3 और 3 नहीं होंगे और 8 और 2 भी नहीं होंगे, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल 3 3 9 और 8 2 16, तो 9/16 हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, फोर क्या है 9/5 मल्टीप्लाई 3/5, ठीक है, क्या रिड्यूस हो रहे हैं 9 5 और 3 5 नहीं हो रहे, तो सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 27 5 5 5 25, ठीक है, तो 27/25 का हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट फिफ्थ क्या है 1/3 मल्टीप्लाई 15/8, क्या ये रिड्यूस हो रहे हैं 1/3, यस 3 और 15 क्या हो रहे हैं दूसरे से रिड्यूस हो रहे हैं, तो 3 1 3 3 5 15, तो हमारा आंसर क्या होगा 1 5 5 1 8 8, तो 5/8 हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सिक्स क्या है 11/2 मल्टीप्लाई 3/10, क्या ये रिड्यूस हो रहे हैं, नहीं, क्योंकि 11 2 भी नहीं होते किसी टेबल में, 9 11 10,
और सेट 4 3 भी नहीं और 3 और 10 भी नहीं, तो मल्टीप्लाई करेंगे 11 3 33 और 2 10 20, ठीक है। तो 33/20 क्या होगा, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 7 क्या है, 4/5 मल्टीप्लाई 12/7, क्या ये रिड्यूस हो रहे हैं, नहीं, क्योंकि 4 5 सेम नंबर नहीं आते, 9 4 7 आते हैं और अगेन 5 7s भी, सॉरी 5 और 12 भी नहीं होते, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 4 कितना होता है 48 और 5 7 35। तो ये हमारे जो फ्रैक्शंस हैं वो मल्टीप्लाई हो गए हैं और जिनकी फॉर्म रिड्यूस हो सकती थी उन्हें हमने रिड्यूस करा है। हमने ये मिक्स फ्रैक्शन में चेंज भी नहीं किया, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं बोला गया, इसलिए ध्यान रखना कि क्वेश्चन में जितना पूछा जाए उतना ही बताओ और जो जो चीजें उन्होंने बोले वो याद से सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, इनकी हमें इन फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना है, हमें यहाँ पर कोई मतलब नहीं है रिड्यूस करना, सॉरी हमें यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन में चेंज नहीं करना है इनको, तो सिंपली मल्टीप्लाई करके अगर आप आंसर लिखते हो तो भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। तो फर्स्ट क्या है आपका, 2/5 मल्टीप्लाई 5:1/4, तो 2/5 हमारा एज इज मल्टीप्लाई, ये मिक्स फ्रैक्शन है, 5:1/4 क्या करेंगे चेंज करेंगे, तो पहले 4 को 5 से मल्टीप्लाई, 4 5 20 और प्लस 1 21/4 रिड्यूस हो रहे हैं, यस, इसमें 2 और 4, तो 2 1 2 2 2 4, ठीक है। उसके बाद 21 और 5 नहीं होते हैं, 21 और 2 नहीं होते हैं, तो 21 1 21 और 5 2 10, तो 21/10 क्या होगा, हमारा आंसर होगा। सेकंड पार्ट में क्या है, 6:2/5 मल्टीप्लाई 7/9, ठीक है। तो पहले मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करेंगे, तो 5 को 6 से मल्टीप्लाई, 5 6 30 और प्लस 2 30, 2/5 मल्टीप्लाई 7/9, कोई रिड्यूस हो रहा है, 32 और 5 नहीं, 32 और 9 भी हो रहे, 7 5 भी हैं, तो अपना आंसर क्या निकालेंगे, मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, तो 7 2 से 7 2 14, 4 1 7 3 21 22 4 9 45, तो 224/5 हमारा 45 का हमारा आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट क्या, थर्ड पार्ट में 3/2 मल्टीप्लाई 5:1/3, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, हम इसका जो आंसर ना वो मिक्स में भी निकाल लेते हैं, अगर हम इसे मिक्स में निकालना चाहें तो 45 234 को डिवाइड करेंगे कितने पर होगा, ये होगा आपका 8, नहीं गलत हो गया, फोर पर लेते हैं, फोर से ट्राई करते पहले, 20, तो ये आपको 4 पर होगा, ठीक है। 4 से करेंगे कितना हुआ, 180, 4 हमारा एक्सिस, 2 में से 12 से थे 4, तो अगर आप इसका मिक्स फ्रैक्शन भी चेंज करोगे कितना होगा, 4 यानी क्वोशेंट इज टू रिमाइंडर न्यूमरेटर और डिवाइजर डिनोमिनेटर, तो ये क्या होगा हमारा मिक्स फ्रैक्शन में चेंज होगा। सेम अगर आप इसे भी करते हो 21 को 10 से 10 से तो 10 2 20, 1 तो क्या होगा कोशेंट यानी कि 2, रिमाइंडर हमारा 1 और 10, तो 2:1/10 हमारा क्या होगा आंसर होगा, यानी कि मैंने ये मिक्स में भी चेंज करता चला गया, मैंने नहीं बोला है, ठीक है। थर्ड, तो 3/2 हमारा एज इट
मल्टीप्लाई 3 बाय 15 और प्लस 1 तो 16 बाय 3। क्या ये सिक्वेंस हो रहे हैं? यस। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब भी हो रहे हैं 2 और 16 तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। आंसर कितना आया हमारा? 8। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट। क्या हमारा फोर्थ पार्ट? 5 बाय 6 मल्टीप्लाई 2 इज टू 3 बाय 7। ठीक है, तो 5 बाय 6 हमारा एज इज मल्टीप्लाई, ये मिक्स करके चेंज करेंगे तो 7 2 जा 14 और प्लस 3 17, तो 17 बाय 7। उसके बाद क्या रिड्यूस हो रहे हैं? नहीं हो रहे, तो अपना मल्टीप्लाई करके हम आंसर लिखेंगे। 5 7 जा 35, 5 1 जा 5 85 और 6 7 जा 42, तो 85 बाय 42 हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ। मिक्स में चेंज कर देंगे तो 85 को डिवाइड करेंगे किससे? 42 से। ऊपर 84, 5 मिस हो गए 1। आंसर कितना हुआ हमारा? क्वेश्चन 82, 1 रिमाइंडर बाय 42, तो 2 इज टू 1 बाय 42 हमारा क्या हुआ? आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट क्या है? 3 इज टू 2 बाय 5 मल्टीप्लाई 4 बाय 7। ठीक है, तो पहले मिक्स को चेंज करेंगे, 5 3 जा 15 और 2 17, तो 17 बाय 5 मल्टीप्लाई 4 बाय 7। क्या ये रिड्यूस हो रहे हैं? नहीं, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 8 जा 30, 4 7 28, 2 68, 5 7 35, तो 68 5 35 हमारा क्या होगा? आंसर होगा। इसे फिर से चेंज करना है मिक्स में, तो 68 को डिवाइड करें किससे? 35 से। 1 पर होगा 8 में से 5 गए 3, उसके बाद 3 में से सॉरी 6 में से 3 गए 3, 33 रिमाइंडर बचा हमारे पास, तो क्वोशेंट यानी कि 1, उसके बाद न्यूमरेटर पर रिमाइंडर और डिवाइजर, तो 1 इज टू 33 बाय 35 क्या होगा हमारा? आंसर होगा। नेक्स्ट इसका क्या है? सिक्स्थ पार्ट क्या है हमारे पास? 2 3 बाय 5 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो हम इसको चेंज करेंगे, 2 5 इज अ 10 और फिर प्लस 3 यानी कि 13 बाय 5 मल्टीप्लाई 3 से 1 लगाएंगे। क्या रिड्यूस हो रहे? नहीं, 13 3 इज अ 39 और 5 1 इज अ 5। ठीक है, चेंज करेंगे मिक्स में, तो 39 को डिवाइड कीजिए 5 से, 5 7 इज 35, 9 इज 5 इज 4, तो 7 हमारा क्वेश्चन इज टू 4 बाय 5। ठीक है, उसके बाद क्या रहेगा आपका? पार्ट नंबर 7। सेवन पार्ट में क्या हमारा? 3 इज टू 4 बाय 7 मल्टीप्लाई 3 बाय 5। ठीक है, तो पहले हम इसको चेंज करेंगे, तो 4 सॉरी 7 3 जा 21 और प्लस 4 25 बाय 7 मल्टीप्लाई 3 बाय 5। क्या कोई रिड्यूस हो रहे हैं? यस, 25 को 5 तो हमने रिड्यूस करेंगे, तो 5 3 जा 5, 5 5 जा 25। क्या अभी कोई रिड्यूस हो रहे हैं? नहीं, आंसर कितना है? 5 3 जा 15 और 7 जा 7। मिक्स में चेंज करेंगे, तो 15 को डिवाइड करना है किससे? 7 से, 7 2 जा 14, 5 प्लस हो गए 1 0, तो आंसर कितना हुआ? 2 इज टू 1 बाय 7 हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 कि हमने फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई किया है और अपना आंसर निकाला है। इन्होंने नहीं बोला फिर भी हमने इसकी मिक्स फ्रैक्शन में आंसर्स निकाले हैं ताकि उससे
हमारा रिवीजन होता रहे कि मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, विच इज ग्रेटर, ग्रेटर कौन है, कैसे पता लगा ग्रेटर का बताइए। अगर आपको याद है तो मैंने आपको समझाया था कि हमें पहले उन्हें कंपेयर करना होगा, और कंपेयर करने के लिए क्या था कि डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे और जो भी फ्रैक्शन आपको दिया गया है उस फ्रैक्शन को जो एलसीएम की वैल्यू है उसके इक्वल करेंगे, और फिर हम दोनों को पता लगाएंगे कि दोनों में ग्रेटर कौन है। जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है। बट वहां पर तो हमने एक एक फ्रैक्शन को सीखा था, यहाँ पर क्या है 2/7 और 3/4, यानी कि दो फ्रैक्शन को पहले मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और फिर उनके बीच में ग्रेटर को निकालना है। पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर इसके बीच में ग्रेटर को फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट क्या है 2/7 of 3/4 और 3/5 मल्टीप्लाई ऑफ, क्योंकि उसे हम बाद में चेंज करेंगे, 5/8, ठीक है। तो 2/7 ऑफ कितना करता है मल्टीप्लाई 3/4, क्या कोई रिड्यूस हो रहा है, यस 2 1 2 2 4 2 4, तो 3 1 3 और 7 2 14, ये हमारा फर्स्ट जो दो फ्रैक्शन से हमें उनको मल्टीप्लाई कर लिए। सेकंड साइड पे चलते हैं 3/5 मल्टीप्लाई 5/8, ठीक है। इन्हें रिड्यूस हो रहे हैं, हाँ 5 1 5 5 5 5, तो आंसर कितना है 3 1 8 8, 3/8 और 3/14, तो इन्हें कंपेयर करना मुश्किल है। अब क्या करना पड़ेगा, इन्हें कंपेयर करने के लिए इन दोनों के डिनोमिनेटर का निकालेंगे एलसीएम, यानी 14 और 8 का निकालेंगे एलसीएम, से करेंगे 2 7 14 और 2 4 8, फिर 2 से करेंगे 7 2 1 अगेन, 2 से 7 एज इट इज 2 1 2, फिर 7 से 1/1, तो ऐसे कितना आया था 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, 2 2 4 4 2 8 और 8 7 56, ऐसे कितना आया 56। यानी कि अब आपको दोनों के डिनोमिनेटर्स को क्या करना है 56 बनाना है। तो जब फर्स्ट को 56 बनाएंगे तो 14 के टेबल में 56 कितने बाद है बताइए, 14 1 14 14 2 28 14 3 45 14 4 56, कितने बनाया 4 पर। यानी कि अब आपको इसके जो न्यूमरेटर्स हैं और डिनोमिनेटर्स हैं दोनों को मल्टीप्लाई करना है 4 से, यानी कि 3/14 न्यूमरेटर भी 4 से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर भी 4 से मल्टीप्लाई, कितना हुआ 3 4 12 और 14 4 56, तो यानी ये तो हुआ हमारे पास 14/12/46। सेकंड क्या है 3/8, तो अब 8 के टेबल में 56 कितने बाद है 8 1 8 8 2 16 8 3 24 8 4 32 8 5 40 8 6 48 8 7 56, कितने पर है 7 पर। यानी कि अब आपको ऊपर और नीचे दोनों किससे मल्टीप्लाई करना है 7 से, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 7 से 3 7 21 और 8 times 56, तो ये आपका 12/56 और वो आपका 21/56, दोनों में कौन बड़ा है बताइए मुझे, कौन बड़ा है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन बड़ा होगा ना, तो कौन बड़ा हुआ हमारा दोनों में, यानी कि जो 3/8 है वो हमारा बड़ा हुआ
न्यूमरेटर कितना है 21 है, ठीक है। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, फिर से आपको दो दो प्रश्न दिए हुए, उन्हें कंपेयर करने वाले हैं, उनमें से कौन बड़ा है। पहला है हमारे पास 1/2 और 6/7 और 2/3 और 3/7। तो 1/2 को निकलता है मल्टीप्लाई 6/7, ठीक है। कट करेंगे 2 1 2 2 3 6, तो इसका आंसर कितना है 3/7। सेकंड तरफ चलते हैं 2/3 मल्टीप्लाई 3/7, 3 1 3 3 1 3, तो आंसर कितना है 2/7। यहां तो आपके पहले से ही न्यूमरेटर क्या है इक्वल आए ना, तब आप क्या करोगे इजीली कर सकते हो, दोनों बड़ा करो है 3/7 बड़ा है 2/7 बड़ा है, तो कौन बड़ा है 3/7 जो हमारा फ्रैक्शन बड़ा है, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पर कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से ही इनके डिनोमिनेटर इक्वल है, तो हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल करने की जरूरत है ही नहीं, इसलिए सिर्फ न्यूमरेटर को देखेंगे 3 और 2 कौन बड़ा है 3, तो जो 3 का फ्रैक्शन है वो ही हमारा बड़ा फ्रैक्शन कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन 5 क्वेश्चन नंबर 5 आपका वर्ड प्रॉब्लम है, तो वर्ड्स जानते समझना। सीलिंग प्लांट फोर स्पेलिंग, स्पेलिंग्स होते हैं जैसे हम पौधे उगाते हैं ना छोटे छोटे, पहले प्लांट थोड़ा होता है, पहले छोटे छोटे पौधे वो हम उगाते हैं ना, जो मतलब बिल्कुल बीज से निकलना शुरू होते हैं इस तरीके से, वो होते हैं इन रो कि सेली ने इस प्लांट की वो लगाए कितने, एक रो यानी कि एक लाइन ये लगा दी, ये ए है, ये बी, ये सी, ये डी, ये चार प्लांट ने लगा दिए, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन टू एजेस स्पेलिंग्स, एडजस्ट मतलब आमने सामने, कि जो दो आमने सामने ना उनके बीच का डिस्टेंस यानी कि ये डिस्टेंस इन दोनों के बीच का, और ये डिस्टेंस इन दोनों के बीच का, कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 3/4 मीटर। 3/4 मीटर क्या होगा इसका डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट स्पेल, फर्स्ट यानी ए और लास्ट यानी कि डी, यानी कि ए से लेकर डी तक यहां तक का जो डिस्टेंस है वो टोटल कितना है वो हमें यहां पर पता लगाना है, ठीक है। ये थे हमारे ए बी सी डी, कितना गैप है इनके बीच में 3/4 मीटर, ठीक है। ये है कि किन्हीं दो के बीच में, यानी कि बी और सी की बात करें तो उसके बीच में 3/4 है, अगर सी डी की बात करें तो उनके बीच में डिस्टेंस कितना है 3/4 मीटर। और उन्होंने पूछा कि फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट, यानी कि हम बात करें ए से लेकर डी तक का जो है डिस्टेंस, तो जो डिस्टेंस गिवन है पहले हम वो लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू सैपलिंग्स कितना है 3/4, ये दो के बीच में, तो यहां पर कितने डिस्टेंस आए 1 2 3 3 बार आया, तो 3/4 को हम 3 टाइम्स प्लस करेंगे तो हमारा क्या आएगा टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 3/4 + 3/4 + 3/4, ठीक है। आपने जब फ्रैक्शंस पढ़े थे तो लाइक फ्रैक्शन को ऐड करना सीखा था, कैसे कि लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सबके सेम होते हैं, जहां जैसे अभी ये सबके 4 4 है, तो हमें इसे सिंपली ए की बार लिखना है 4 और न्यूमरेटर को एज इज प्लस करना है, यानी कि 3 + 3 + 3 कितना हुआ 3 + 3 + 3 3 3 6 और 3 9, तो 9/4 मीटर क्या है उनका फर्स्ट से लेके लास्ट तक का डिस्टेंस है। इसे मिक्स में चेंज करेंगे तो डिवाइड करेंगे 9 को
4 2 जा 8 9 से 8 तो 1 आंसर कितना होगा हमारा 2:1/4 मीटर यानी कि ये उनके बीच का जो टोटल डिस्टेंस है जो पहला पौधा है और जो लास्ट वाला पौधा है उस लोगों का उनके बीच का टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है 2:1/4 मीटर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 फिर से वर्ड प्रॉब्लम है क्या है लिपिका रीड अ बुक फॉर 1:3 आवर्स एवरी डे कि लिपिका है वो बुक पढ़ती है वो रोज पढ़ती है पर रोज कितने टाइम के लिए रोज वो पढ़ती है 1:3/4 आवर्स यानी कि आज अगर उसने बुक पढ़ी तभी वो कितना 1:3 आवर्स पढ़ेगी कल अगर उसने बुक पढ़ी तो सेम टाइम वो इतना ही लेगी पढ़ने के लिए शी रीड द एंटायर बुक इन 6 डेज वो पूरी बुक को ना पूरे 6 दिन में कंप्लीट कर लेती है 6 दिन के अंदर बुक पूरी पढ़ लेती है तो हाउ मेनी आवर्स इन ऑल वर रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड द बुक तो हमें बताना है कि उसे पूरी बुक पढ़ने में कितने घंटे लगे अब हमें सिर्फ एक दिन का गिवन है ना कि एक दिन में वो इतने घंटे पढ़ती है तो 6 दिन में कितने घंटे पढ़ेगी क्योंकि बुक तो पूरी कंप्लीट 6 दिन में होगी ना तो हम लिखते हैं यहाँ पर शी रीड बुक इन अ डे यानी कि एक दिन में कितने घंटे पढ़ते हैं वो 1:3/4 आवर ठीक है कितने दिन में बुक कंप्लीट हुई 6 में तो लिखेंगे शी रीड बुक इन 6 डेज कितना होगा 6 × 1:3/4 मल्टीप्लाई करेंगे बट पहले मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करना पड़ेगा तो 6 हमारा आया इट इज मल्टीप्लाई 1:3/4 सॉरी मिक्स को चेंज करेंगे तो 4 बनता 4 और प्लस 3 तो 7/4 तो 6 और 4 रिड्यूस हो रहे हैं इससे 2 से तो 2 × 3 = 6 2 × 2 = 4 न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई 3 × 7 = 21 और 1 × 2 = 2 तो 21/2 आवर्स उसे लगे बुक्स को कंप्लीट रीड करने में चेंज करेंगे तो 21 को डिवाइड करेंगे 2 से 2 × 2 = 2 सॉरी 2 × 2 = 0 1 लेते हैं तो वो डिवाइड होगी 0 के लिए तो कितना 10:1/2 आवर्स कि उसे पूरी बुक रीड करने में 10:1/2 आवर्स लगे और अगर वैसे बोले तो 21/2 आवर्स लगे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या है अ कार रन 60 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल कि एक कार है वो 1 लीटर पेट्रोल में कितना किलोमीटर जा रही है 60 किलोमीटर ठीक है हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 2:3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल कि अगर उसके अंदर 2:3/4 लीटर पेट्रोल डाल दिया जाए तो वो कितना किलोमीटर जाएगी हमें यहाँ पर पता है 1 लीटर का कि वो 1 लीटर में कितना जा रही है 16 तो अब हमें पता लगाना है कि वो 2:3/4 लीटर पेट्रोल में कितने दूर जाएगी तो कार कवर डिस्टेंस इन 1 लीटर पेट्रोल कितना 16 किलोमीटर ठीक है और उसके बाद निकालना कितना है कार कवर डिस्टेंस इन 2:3/4 लीटर 2:3/4 लीटर पेट्रोल है उसमें वो कितना कवर करेगी तो क्या होगा 16 × 2:3/4 तो 16 हमारा एड्रेस चेंज करेंगे तो 4 × 2 = 8 और प्लस 3 = 11/4 16 और 4 रिड्यूस हो रहे हैं तो रिड्यूस करेंगे तो 4 × 4 = 4 4 × 16
11 फोर जा 44 किलोमीटर, यानी कि 2:3/4 पेट्रोल में वो कार 44 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, तो बच्चों ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.2 एंड 2.3। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.4। तब तक इस वीडियो को ध्यान से देखिए, सारे क्वेश्चन को समझिए, और कोई डाउट